क्या हाल आपके? ठीक ठाक। एक और वीडियो के साथ न्यूज सेंटर सलाम। आज की वीडियो में हम जिक्र करेंगे फूटी कौड़ी का। फूटी कौड़ी बिल्कुल छोटी वैल्यू थी करेंसी की बरसगीर में, और छोटी सी बात, छोटा सा वाक्या, कुछ छोटी सी चीज किसी बड़ी शख्सियत का पता दे देती है। यही हम आज की वीडियो में बात करेंगे। फूटी कौड़ी से पैसा बना, पैसा आना बना, आना रुपया या रुपए बना, और ये रुपया या रुपए इसका खालिक था शेर शाह सूरी। तिलस्माती किरदार जिसने जीटी रोड बनाई आज भी कायम है, जिसने ज़मीनों के रिकॉर्ड का इंतजाम किया आज भी हम उसी रिकॉर्ड को फॉलो करते हैं। जी हाँ, बाबर ने जब हिंदुस्तान फतह किया तो ये शेर शाह सूरी, जो कि सूरी कबीले से ताल्लुक का था, एक छोटा सा जागीरदार था, बाबर की फौज में शामिल हो गया। और एक जब फतह हुई इब्राहिम लोधी के खिलाफ बाबर को, तो बाबर ने तमाम कमांडर्स को जमा किया, तो ये जो फौज में शामिल हुआ था शेर शाह सूरी कमांडर बन चुका था। तो उस दावत में जब हलवा पेश किया गया तो उसके साथ उसे सर्व करने के लिए कुछ चमचा नहीं था। तो बादशाह ने कहा कि चम्मच लेके आओ, तो शेर शाह सूरी ने चम्मच का इंतजार नहीं किया और अपना खंजर निकाला और उससे हलवा काटा अपने हिस्से का और खा गया। ये छोटा सा वाक्या बादशाह के लिए बहुत बड़े अंदेशे का बायस बना। बादशाह ने फौरन अपने एक खास बंदे को बुलाया और उसको कान में कुछ कहा। शेर शाह सूरी समझ गया कि बादशाह ने क्या कहा। जी हाँ, शेर शाह सूरी सही समझा, बादशाह ने हुक्म दिया था कि ये शख्स मुस्तकबिल में हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, इसलिए इसको जैसे ही ये निकले यहाँ से आज या कल इसको ख़त्म कर दो। शेर शाह सूरी जो था वो भी बहुत अकलमंद था, जैसे मैंने कहा वो समझ गया। तो उसने क्या किया कि जैसे ही वो महल से बाहर निकला, फौरन अपने खादिम के साथ उसने अपना लिबास तब्दील किया और फरार हो गया, बंगाल जा पहुंचा और अपनी फौज बनाई, अपना लश्कर बनाया, और फिर बाबर के बेटे हुमायूं, जो कि बाद में बादशाह बना, जंग लड़ी और हिंदुस्तान पर काबिज हो गया। जी हाँ, शेर शाह सूरी, बाबर ने बताया था हुमायूं को कि इस शख्स से बच के रहना है, और वही हुआ। बाबर ने एक छोटे से वाक्य से जज कर लिया कि ये शख्स आगे क्या अजायम लेके आ रहा है। शेर शाह सूरी ने 5 सालों में जैसे बताया जीटी रोड बनाई, जो कि आज तक कायम है, रुपया जो है उसको लागू किया करेंसी के तौर पर, और उसके अलावा ज़मीनों का रिकॉर्ड बनाया। तो ये 5 साल में इसने वो काम किए कि आज भी हम इसे जानते हैं मुल्तान में शेर शाह। तो आज की वीडियो में मैंने जिक्र किया सिर्फ नोट का, रुपये का, रुपये का, और अगली वीडियो में मैं जिक्र करूँगा नोटों का, नोटों के अंबार का, और नोटों के ढेर का, नोटों की बोरियों का, और कैसे वो गायब होते हैं, कैसे वो ख़त्म हो जाते हैं और बंदा दिवालिया हो जाता है उस चीज़ का। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली वीडियो में। But these feelings were good.